चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि जी थैंक यू बड़ा फ्री द पीपल समर संघ में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर त्रिचंद्रता आपसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। पहले तो इस अवधारणा पर जिसने भी ये काम शुरू किया है, जिसकी भी ये संकल्पना थी, उसको आभार, साधुवाद। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कभी आपने अनुभव किया है कि आप अकेले खाना खा रहे होते हैं और कुछ लोग आपके साथ में जो आपके प्रियजन होते हैं कोई अचानक पर आ जाते हैं, आप उनके साथ खाना खाते हैं, तो कुछ फर्क आपने कभी महसूस किया है? जब आप अकेले खा रहे होते हैं तो बस एक है कि हाँ भाई पेट भरना है, खाना खा लेते हैं, लेकिन अचानक कुछ आपके अपने दोस्त है ना, समर मतलब जो आपके जैसे विचारधारा के लोग आपके साथ में आकर बैठ कर खाना खाते हैं, तो फिर खाने का आनंद दुगना हो जाता है, कई गुना हो जाता है, और आप बहुत मन से खाना खाते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप जितनी आपकी खुराक है उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता बातचीत में, गपशप में, है ना। यही एक कॉन्सेप्ट है जुड़ने का। आप खाना खा रहे हैं, बहुत सा कोई परेशानी की बात आती है और आपका पेट भर जाता है, अचानक भूखी है लेकिन अब मन नहीं करता कि नहीं हमें नहीं खाना। कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ में आ जाता है जो आपसे विपरीत विचारधारा का है और आपको मतलब एकदम आप निगेटिविटी सी आ जाती है और आपका मन नहीं करता कि आगे खाना खाएं। चाहे खुशी का कोई पल हो, चाहे दुख का कोई पल हो, आपको हमेशा कुछ लोगों की जरूरत होती है। कोई भी अकेले कोई काम नहीं कर पाता। आप सुखी हैं, आप खुश हैं, तो फिर आपको उस खुशी को शेयर करने के लिए अपने चारों तरफ अपने ही जैसे, अपने ही समान मतलब समान जो आप जैसा ही विचार रखती हूँ, आपको उनकी जरूरत होती है। तो फिर या कोई दुख की भी घड़ी है, उसमें भी क्या होता है कि आप अपना दुख शेयर करेंगे तो उसके लिए भी आपको अपने अपनों की जरूरत होती है ना। लेकिन जब आपके साथ में अपने जैसे लोग जुड़ते हैं तो क्या होता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन बहुत खुश रहता है, नए नए विचार जन्म लेते हैं, कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है आपको। बहुत सारे फायदे होते हैं जुड़ने के दोस्तों। अगर समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो सबको एकजुट होना होगा। जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, है ना, लेकिन अगर आपके साथ में कोई उन परेशानियों को शेयर करने वाला है या उनकी समस्याओं को आपके साथ उनका समाधान करने वाला है, तो फिर सारी समस्याएं चुटकियों में मिलजुल कर हल कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बहुत समय पहले भी जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो ऐसा नहीं, परेशानियां तब नहीं थी, लेकिन क्या कोई भी परेशानी, बहुत बड़े परिवार होते थे और हर समस्या का समाधान उनके पास होता था, उनके पास कोई परेशानियां मतलब बहुत कम होने के बावजूद भी उनमें संपन्नता होती थी। क्यों? क्योंकि वो खुश रहते थे, एक बहुत बड़ी चीज उनमें संतोष होता था, अपने अपनों के साथ में रहते थे तो वो हर काम को बहुत आसानी से, उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता था। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जुड़ना है ये एक स्वाभाविक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जुड़ेंगे तभी किसी से भी जुड़ेंगे, अपने जैसे लोगों से जुड़ते हैं तो फिर आप मतलब आपके सुख में वृद्धि होती है, आपको दुख के लिए भी लोगों की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है कि आपने अभी ये देखा कुछ दिन पहले, अक्सर ये समाचार आप पढ़ते होंगे कि उसने फलाने ने मतलब उस स्थिति में आके जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये इतनी तकलीफ देह बात है कि आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सिर्फ आप ही अकेले उसके लिए मतलब स्ट्रगल नहीं करते, आपका पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तब आप क्या करती हैं, आप सुसाइड कर लेती हैं अचानक। अभी एक डॉक्टर ने किया था, एक बहुत एकदम रिसेंटली हुआ, इसलिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को काट दिया, अपनी बीवी को काट दिया और गंगा में फेंक दिया, उसके बाद में खुद भी वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। वजह क्या थी? वो वजह थी अकेलापन। हमारे साथ में क्या होता अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप कभी भी महसूस करिएगा, अगर आप कहीं भी जब आगे बढ़ते हैं ना और अपने जो
पुराने दायरों से बाहर निकलते हैं तो आपके हजार दुश्मन आपको पीछे खींचने को तैयार रहते हैं। उनसे लड़ना है आपको दोस्तों, इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप सोचेंगे कि भाई मेरे लिए यानी जीवन से बढ़ के आप मतलब मृत्यु को समझ लेंगे। और ठीक है आप खुद मर जाएंगे, कोई बात नहीं, आप बहुत परेशान थे आप मर गए, लेकिन आपने अपने बच्चों को मार दिया, आपने अपने बच्चों को काट दिया, तो आखिर क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ वो अकेलापन है, क्योंकि आदमी उस तनाव को झेल नहीं पाता है और वो सुसाइड जैसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण काम के लिए वो मजबूर हो जाता है। बस यही है, हम लोगों के साथ में बहुत परेशानियां हैं दोस्तों, बहुत परेशानियां हैं और ये परेशानियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। अगर आप अभी हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनते हैं, आपके कंधे पर किसी का हाथ है, ये आपके लिए विश्वास है कि हाँ भाई कोई आपके साथ में खड़ा है, ये आपको लड़ने की प्रेरणा देता है। तो प्लीज इन सब बातों पर गौर करिए, हम सब एक हैं, हम सब समण समाज के लोग एक हैं, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, हम लोग एक हैं, लेकिन हम छिन्न भिन्न है, बटे हुए हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है, हम लोग रोज 8 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं। बहुत ऐसा नहीं, बहुत यंग लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हमारे साथ में हैं। हम क्या ले रहे हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमें बस सहयोग चाहिए एक दूसरे का। पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते, आज के टाइम में पैसा कोई भी छीन ले, लेकिन हम लोग का सहयोग है, भाईचारा कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा जो जुड़ने का सिद्धांत है वो स्वार्थ पे आधारित नहीं है। अगर स्वार्थ बीच में आता है, कोई अपेक्षाएं बीच में आती हैं, तब वो संबंध टिकते नहीं है। हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं है, हम बस ये है कि हम लोगों ने बहुत तकलीफ झेली है, अब हम और नहीं इस तकलीफ को आगे झेलना चाहते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बनके आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम इसीलिए मतलब विचार विमर्श करने के लिए रोज यहाँ जुड़ते हैं, 4 घंटे तक, 3 घंटे तक, कभी कभी 6 घंटे भी हम जुड़ते हैं, और हम इस बात पे मतलब विमर्श करते हैं कि आखिर एक दूसरे का कैसे सहारा बने। एक परिवार है, उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई जिस परिवार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं वो परिवार ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि हर आदमी में अलग काबिलियत होती है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर हम अपने हर तरह के लोगों को जोड़ते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, और इस बात पर विमर्श करते हैं कि हम अपनी अपनी स्तर से किस तरह से एक दूसरे का सहारा बन पाए, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करें, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों यही आपको समझना है और यही आपको आगे करना है, दूसरे लोगों को इस बात के लिए समझाना है कि भाई छोड़ो, मतलब अपनी जिद छोड़ो, अपने अहंकार छोड़ो, अपने दुराग्रह या पूर्वाग्रह छोड़ो। अरे लड़ फिर तो हम फिर लेंगे, लड़ हम बाद में लेंगे, हमारे बहुत सारे अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, पहले हम बच तो जाएं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप रोज आए, हमारा मनोबल बढ़ाएं और लोगों को साथ में जोड़ें अपने। थैंक यू, बस यही मेरा कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान सभी को। आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है,
उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.